टीम इंडिया के लिए एक फ्लॉप खिलाड़ी का टी20 कैरियर श्रीलंका के खिलाफ इस मौजूदा टी20 सीरीज के साथ ही खत्म होता नजर आ रहा है। ये खिलाड़ी अपने फ्लॉप प्रदर्शन की वजह से टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा नासूर बन गया है। ज्यादातर क्रिकेट फैंस इस खिलाड़ी को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर मौकों पर ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए विलेन ही साबित हुआ है। पाकिस्तान टीम की अपने ही घर में फजीहत, कोच शॉर्ट टेस्ट की पत्रकारों से भिड़ गए। साल 2022 में पाकिस्तान टीम का टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन काफी खराब रहा था और वह अपने घर में ही एक और मैच जीतने के नाकाम रही। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के उसके तेज गेंदबाजों से भी अहम भूमिका रही। ऐसे में टीम इंडिया के बॉलिंग कोच शॉर्ट टेस्ट पर सवाल उठाना लाजमी है। हो गया फाइनल, दो खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज पर नहीं मिलेगा चांस, क्या करियर खत्म? भारत को श्रीलंका के बाद टी20 और वनडे सीरीज के बाद न्यूजीलैंड की मेजबानी करनी पड़ी। दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और टी20 सीरीज की खेली जाएंगी। BCCI ने नए साल की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ टी20 की 3 सीरीज के लिए सब भारतीय टीम चुनी गई, तो उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल जैसे खिलाड़ियों के नाम नहीं थे। इन्हें क्यों इस साल सीरीज के लिए भारतीय टीम को नहीं चुना गया, इसे लेकर BCCI की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। सौरभ गांगुली IPL में अपनी पुरानी टीम में लौटे, पहले से बड़ी मिली।